नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आई नजर डालते हैं हमारी खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की अज्ञात हमलावरों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी। भाजपा नेता प्रत्युष मणि त्रिपाठी पर बादशाह नगर में हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया और पुलिस के विरोध में नारेबाजी की। लखनऊ पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक कलानिधि नेथानी की तुरंत बर्खास्तगी की मांग की गई। उग्र भीड़ ने आरोप लगाया कि त्रिपाठी ने जिला पुलिस प्रमुख को बताया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उनके आग्रह पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दुखद घटना है। एक श्री प्रत्युष मणि त्रिपाठी थे, उनकी यहाँ पे कोई चाकू मार कर किसी ने घटना की है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। ट्रॉमा सेंटर में जब लाए थे तो उसके बाद उपचार के दौरान उनकी डेथ हो गई। इनकी कोई आपसी लड़ाई की भी कोई FIR दर्ज हुई थी 25 तारीख को, उसको लेकर भी ऑलरेडी उसमें केस मुकदमेबाजी चल रही थी, एक गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन जो लोग हैं उनका संतोष ये है कि उसमें और भी कुछ नामजद लोग थे जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब सारी टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है और इनके परिवार के लिए भी समुचित आर्थिक सहायता करा के उनकी देखरेख की व्यवस्था कराई जाएगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।